थूक लगा के हाईशा, थूक लगा के हाई। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों देखा आपने, ये कौन है, कौन है और कहाँ का है? ये बच्चा कैसे इंजॉय कर रहा है और ऊपर से दाढ़ी धार जाली धार टोपी पहन के, कौन है ये और क्या कर रहा था ये? यार बहन चुद, इतनी सारी वीडियो मैंने आपको दिखाई, उसमें बच्चियों को रेप तो करते हैं, छोटी छोटी 6 साल की बच्ची को तो रेप करते हैं। 6 साल और 9 साल की तो पता नहीं क्या, ये बोलते हैं कि 6 साल 9 साल की बच्ची होती है तो परिपक्व हो जाती है, 18 साल की हो जाती है, ये तो यही जाने, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सनातन धर्म हिंदू धर्म में 18 साल ही लिखा है, ठीक है, जो परिपक्व होती है। पर इनके पर नहीं क्या है, 6 साल या 9 साल ये। पर बात करते इस मुद्दे की, देखा कैसे थूक लगा के ले रहा है, ये है कौन? ये पाकिस्तान का मौलवी मुल्ला मौलाना है। ये वीडियो मेरे को एक भाई साहब है हमारे, उन्होंने भेजी है मेरे को कि भाई इस पे आप रिएक्शन दो। तो क्या है ये यार, 14-15 साल का बच्चा उसकी बुंड मार रहा है ये मौलवी, क्या ये ज्ञान मिलता है इनको? ये ज्ञान मिलता है कि बच्चों की बुंड मारो और फिर ऊपर से ये बड़ी बड़ी ठोकते कि इंशाल्लाह पूरी दुनिया पे मुसलमानों का राज होगा और हम हिंदुस्तान को गुलाम बनाएंगे? कहाँ से बुलाएंगे जिनकी गांडी चुद रही है डेली, कहाँ से? और ये चूतिया भड़वे जितने भी ये इंसानियत की वीडियो बनाते हैं, हम ये जो भी भड़वे पाकिस्तानी यूट्यूबर है, तो भड़वो ये नहीं दिखता आपको? ये क्या हो रहा है बच्चे के साथ, क्या हो रहा है? मौलाना मौलवी क्या कर रहा है? ये धर्म का ज्ञान है इसको? ये धर्म है इसका? ये पढ़ा रहा बच्चों को कि बुंड मारो, बुंड मरवाओ? पाकिस्तान में कोई भी स्कूल नहीं है, मदरसे कुछ आतंकवादियों के स्कूल, तो आपको पता नहीं जब स्कूल वगैरह थे यहाँ पे तो आतंकवादी संगठन हमला करते हैं, बच्चे मार दिए जाते हैं मासूम, और कुछ मदरसे इन आतंकवादियों के, जैसे कि मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन है, मदरसे हिजबुल मुजाहिदीन कुछ ऐसे संगठन है, वहाँ पे इनको तो यही पढ़ाया जाता है आतंकवाद कैसे फैलाए, पर ये भी पढ़ाया जाता है बुंड मराओ, बुंडू बनेंगे कल को, कल को फिर जंग होगी तो क्या, फिर 1971 याद है ना, घुटने टेक देंगे, ऐसे घुटने टेक देते हैं, फिर ये हिंदुस्तान है, हिंदू का रहम दिल है जो बख्श देते हैं, जाओ यार दोबारा ऐसी हरकतें में करना, फिर वही हरकतें करते हैं बहन चौध चूतिए दल्ले, जैसे कि यूरी में किया, पठानकोट, अभी पुलवामा, और अभी श्रीखंड के ऊपर जो हमारी धार्मिक यात्रा है उस पर साजिश रची हुई सुनने में तो आ रहा है हाफिज सईद वगैरह ये कर रहे हैं। तो दल्लो कब तक चलेगी तुम्हारी ये आतंकी संगठन, खत्म हो जाएंगे? पर यार इस चीज का गुस्सा है, ये सनसनी खेल यार फर्स्ट बार देखा, और वो कोई एक आम इंसान कर रहा होता तो बात अलग थी, और ये मौलाना मौलवी जिसको इल्म है, इल्म क्या पता आप समझते हैं, धार्मिक ज्ञान, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था मैंने कि किस तरह से ये बच्चों को गुमराह करते हैं, आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। तो क्या है ये यार, बड़बे और जो सोए हुए ये चूची खान, डॉक्टर तुर्की ठरकी, ये मुर्गी बहन के लोड़ो, इसके ऊपर तुम्हारी इंसानियत नजर नहीं आती क्या? बच्चे के साथ क्या हो रहा है और बच्चा भी इंजॉय कर रहा है, यहाँ पे कहाँ गई तुम्हारी इंसानियत भड़बो? क्या है ये बहन चोद, ये शिक्षा तुम्हारी, ये धर्म है दल्लो बहन चोद? फिर इंडिया के ऊपर भोंकते हो, हम करते गाय माता की पूजा करते, ठीक है ना, तुम्हारी तरह नहीं कि बहन चो गधे के साथ दिन भर सवारी की और रात के काट के खा लिया, ये क्या है बताओ ना मेरे को चूतियो? माँ बहनों को तुम, बच्चियों को बहन चाइना में सप्लाई करते हो, वहां से तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, और ऊपर से बच्चियों का रेप करते हो, बहुत सी घटनाएं होती है ऐसी, मदरसे में मौलवी ने पाठ पढ़ाते हुए बच्ची का 6 साल की बच्ची का रेप किया, 9 साल की बच्ची का रेप किया, मौलवी ने इस मदरसे में ये किया वो किया, बहन चोद कोई कब्र में जाके सेक्स कर रहा है, कोई कब्र में जाके लेडीज को खा रहा है, बच्चों को खा रहा है, यही है बहन चोद? बहन चोद चूतियो, जो तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म जो होते हैं ना, जुल्म की प्रिय लोग लोड़े क्या कहते हैं इंडिया में, हिंदू द्वारा मुसलमानों के ऊपर जुल्म की इंतहा कहाँ पे होती है? वो होती है चाइना में, और चाइना है तुम्हारा बाप, माँ बहनों को खरीद रहा है और तुम्हें दे रहा है पैसा, उसके ऊपर तुम भोंक नहीं सकते, भोंकेगे तुम खाएंगे क्या? गू खाओगे बहन चो, खाओ गू सूरों का, और सूर गू में ही पलते, और तुम लोग हो बहन चो दल्लो, इंडिया के ऊपर भोंकने से पहले 10 बार सोचा करो कि क्या हमारे यहाँ पे तो नहीं होता ऐसा यार, शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई जाता है, अच्छा नॉलेज दिया जाता है, और तभी हमारे इंडिया के लिए कहाँ पहुँचे हुए हैं।
ना समय। ये गूगल के जो सीईओ उनके बारे में पता है वो कहाँ से हैं? नासा की जो हमारी कल्पना चावला थी वो कहाँ की थी? इंडियन थी ना। बहुत से ऐसे हमारे जो वर्ल्ड लेवल में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तुम लोग क्या ये गांडू हरकतें कर रहे हो बहन चुप? फिर जो ये दोस्तों सबसे खुशी की बात ये है कि ये गांडू फिर बाहर जाते हैं पुण्य मनवाने के लिए, वहाँ से भी पैसा लेते हैं, माँ बहनों को तो बेचते हैं, और इन बच्चों को जो ये शिक्षा दी जा रही है उससे क्या हो रहा है? जो इनको तो मजा आता है ठीक है गान बना के, और जो कहाँ पे गे सेक्स वगैरह होते हैं जैसे गुच्ची हमारा जो लंदन साहो में कश्मीर से निकाला था उसको, तो वो वहाँ पे पिलवा रहा है, तो इन बच्चों को वहाँ से पिलाया गया जैसे जापान यहाँ पे ज़्यादा गे सेक्स वगैरह होता है, लंदन में अमेरिका में जहाँ पे पोर्न इंडस्ट्री ज़्यादा है वहाँ पे भेज, वहाँ से पैसा लेते हैं भड़वे बहन चूत। अपने देश के ऊपर तो घान लगाना, गांड धोने के लिए पानी नहीं है बहन जो चूतियों के पास, और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं मदरसों में, मंदिर एक तरह का मंदिर समझो, हमारे यहाँ मंदिर कहते हैं मदरसे कहते हैं, वहाँ पे ऐसी शिक्षा देते हैं। देने वाला कौन? जो खुद एक मौलाना मौलवी जिसको इल्म है। दल्लो इस तरह की हर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, ये चूतिया जो है ना भैया जो मैं मुहिम चला रहा हूँ इंडिया के ऊपर, जो मुसलमान है जिनके ऊपर जुल्म की इंतिया हो रहा है हमें वीडियो सेंड करे तो बड़बो ये क्या है भैया, जो पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी को जुल्म की इंतहा, इनके ऊपर वीडियो बनाओ दल्लो जो बच्चों के ऊपर रेप कर रहे हैं, गांड मार रहे हैं, माँ बहनों को चाइना और अंग्रेजों के पास भेज रहे हैं चूतियों, इनके ऊपर जो जुल्म की इंतहा हो रही है ये सुनाई नहीं दे रही है? तुम्हारी गांड में डंडा गया हुआ है बहन चौध, जितने भी ये नावेद कुत्ता जबी टीवी जो इंसानियत की बात करता है भड़वे ये क्या है? थुक लगा के हईशा, थुक लगा के हईशा, मैं थुक कैसे लगा रहा मौलवी बहन चौध? ये है तुम्हारी खुलासा, ये है तुम्हारी असलियत, और तुम यहीं पे गांड बुलवाते रहो, माँ बहनों को बेचते रहो, क्योंकि तुम्हें शर्म ही नहीं है चूतियों, ये रियलिटी है तुम्हारी, इसे कहते हैं भड़वे बहन चौध। औकात जीरो और बहन भोगते हो, ये हुआ वो हुआ इंडिया में ये हुआ, तो चूतियों पहले अपने ऊपर झांक के देखो फिर भोंकना ऊपर, ठीक है? गांड मरवाओ दल्ले बहन।